चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और अनोखे वीडियो में। और आज हम यूज करने वाले हैं फिलिप्स MG7707 मल्टी ग्रूमिंग किट टू ट्रिम आवर हेयर। इस ट्रिमर से हमने बियर्ड का ट्रिम करके ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इस ट्रिमर को टेस्ट करेंगे भाई, क्या ये ट्रिमर सच में अच्छी तरह से हमारे हेयर को ट्रिम कर पाता है या फिर नहीं। और हेयर कटिंग ट्यूटोरियल भी आपको बताने वाला है स्टेप बाय स्टेप। आज से पहले जितने भी ट्यूटोरियल्स आप देखे होंगे हमारे चैनल पर, हमने बताया है कि साइड्स के हेयर आप कैसे ट्रिम कर सकते हैं, पीछे के हेयर कैसे ट्रिम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि भाई फ्रंट हैंड साइड जो ऊपर का हेयर आप देख रहे हैं राइट, इसको आप किस तरह से ट्रिम कर पाएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। इसका चार्जिंग टाइम है 1 आवर और इस पे आपको 120 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है, 5 मिनट चार्ज कीजिए और इतना बैटरी बैकअप दे देगा कि एटलीस्ट एक बार आप अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। ये एक वाटर प्रूफ ट्रिमर है, तो पूरी बॉडी को पानी से धो सकते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। फ्रंट हैंड साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर भी मिल जाएगा, ऑरेंज कलर का इंडिकेटर ग्लो होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और लेट्स द ट्रिम बिगिन। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी कर लेना है। और कुछ इस तरह से कंघी कीजिएगा आपका जो मांग है वो बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेट सीट आप देख सकते हैं, मैंने अपने बालों को बिल्कुल मांग से अलग कर दिया है। सबसे पहले हम लेंगे 16mm कॉम्ब और आपको नीचे से लेके ऊपर तक ट्रिम करना है। ऊपर जाते थे आपको ऐसा मोड़ देना है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और गलती से भी मांग जो हमने फाड़ा है राइट, इसको क्रॉस आपको नहीं करना है। स्टेप नंबर 2, आपको कॉम को निकालना है बाहर और कनेक्ट करना है इसके छोटा वाला कॉम जो कि है 12mm, आप देख सकते हैं। तो अभी हम 12mm का कॉम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब की बार ट्रिम करते वक्त आपको पूरा ऊपर तक लेके नहीं जाना है, बस खत का थोड़ा नीचे से ही आपको मोड़ देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, अब की बार हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, बस यहाँ से ऐसा ऐसा मोड़ देंगे हम, ठीक है, जिससे प्रॉपर शेड वाला लुक आ जाए। अब दोबारा क्या करना है आपको, इस कॉम को भी बाहर निकालना होगा हमें। और अब की बार हम कनेक्ट करेंगे सबसे छोटा वाला कॉम जो कि है 9mm। और अभी आपको उतना ऊपर भी लेके नहीं जाना है, बस नीचे से ही आपको मोड़ देना है। यहां से लेके जाएंगे और हम यहीं से मोड़ देंगे, ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है। अब तो आप देख सकते हैं परफेक्टली कितना बेहतरीन तरह से साइड में ट्रिम हो चुका है, बिल्कुल फैट वाला लुक दिख रहा है राइट। सेम चीज को आपको इधर भी ट्रिम करना है इसी तरह से और बैक हैंड साइड में भी इसी तरह से ट्रिम करना है, ठीक है। तो मैं अभी इधर का ट्रिम कर लेता हूँ, फिर आप सभी से मिलता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये वाला सेक्शन को भी बढ़िया से ट्रिम कर लिया है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड ट्रिम कर लिया है। अब चलिए आपको बताते हैं बैक हैंड साइड को ट्रिम कैसे करना है। प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। फिलहाल वीडियो मजा आ रहा है तो अभी का भी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना। चलो जी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को रख लीजिए एक जगह पे जहां तक आपको ट्रिम करना है। फॉर एग्जांपल ये है मेरा वैक्सटोमैक्स एरिया राइट, यहां तक ही हमें ट्रिम करना है। तो आप देख पाएंगे मैं अभी 16mm का कॉम भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे से लेके जाएंगे ऐसे करके, और जैसे ही आपका उंगली पहुंचेगा ना यहां से हम इसको ऐसा मोड़ देंगे, गॉट इट। अब चलिए 16mm कॉम को हम निकालेंगे बाहर और लगाएंगे 12mm कॉम को बैक, और आपको ऊपर तक नहीं, आपको थोड़ा नीचे तक ही लेके जाना है बस, ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे लेके जाएंगे और मोड़ देंगे, दैट्स इट। चलिए इस 12mm कॉम को निकालते हैं बाहर और कनेक्ट करेंगे हम 9mm कॉम को, और अब की बार आपको उतना ऊपर भी नहीं, बस यहाँ तक ही ले जाके मोड़ देना है, बस नीचे नीचे करना है बस। और राइट, आप देख सकते होंगे कितनी अच्छी तरह से हमारे बैक हैंड साइड का हेयर भी ट्रिम हो चुका है, बट फिलहाल मैं खुद नहीं देख सकता क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको दिखा के कर रहा हूँ राइट, मुझे खुद नहीं पता कैसे ट्रिम हुआ है। आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ
हमने किस तरह से ट्रिम किया है अपने बालों को। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब बताएंगे आपको हम ये ऊपर का जो बाल है राइट, इसको कैसे ट्रिम किया जाए। बहुत से लोगों को ये वाला सेक्शन जो है काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। अगर आप इसको ट्रिम ना भी करें तो भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक हमें लग रहा है। बट अगर आप चाहते हैं ये वाला हेयर को थोड़ा छोटा करना तो चलिए आपको हम वो भी सिखा देते हैं। नेक्स्ट आपको कंघी कर लेना अच्छी तरह से, ताकि जो भी बाल है राइट इसको पूरा सीधा कर लो आप आगे की ओर, ऐसे करना है कंघी, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल ऊपर नीचे हैं राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। हमें यूज करना है 16 mm कॉम जो कि इसका मैक्सिमम सेटिंग है। और अब की बार बिल्कुल ऊपर से हमें सीधा ट्रिम करना है, जैसे कि आप कंघी कर रहे हो। दिखाता हूं मैं आपको, ऊपर से सा लो और बिल्कुल ऐसा लेके आओ नीचे, जैसे कि आप कंघी कर रहे हो ऊपर से नीचे, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने ट्रिम तो कर लिया है। अब यहाँ पे और थोड़े से बड़े बड़े बाल दिखे राइट, तो चलिए इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। ट्रिमिंग परफॉर्मेंस सच में काफ़ी कमाल का है ये ट्रिमर, मतलब वेरी स्मूथली आपके बालों को ट्रिम करके दे देता है। तो अब चलिए तो हो गया ट्रिम हमारा बाल राइट। तो अब एक बार हम बैक की जो लाइनिंग वगैरह होते हैं उसको भी दे देते हैं फटाफट। लाइनिंग देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप एक सीसा ले लो और बैक हैंड साइड में एक सीसा ले लो, ताकि आप पीछे के एरिया देख सकते हो और आराम से ट्रिम कर पाओ, ठीक है। That's it. अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। तो फाइनली हमने अपने बालों को अच्छी तरह से ट्रिम तो कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार मैं अपने बालों को अच्छी तरह से शैम्पू करके आता हूँ, फिर आपको अपने फाइनल रिजल्ट शेयर करूंगा। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने बालों को अच्छी तरह से क्लीन तो कर लिया है, और ओवरऑल ट्रिमिंग क्वालिटी आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमने खुद से ही बाल को ट्रिम किया है और आपको एक बार बैक हैंड साइड भी दिखा देता हूं, आपको कहीं से ही बाल ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, बिल्कुल सेम शेप में फेड होकर आता है बाल राइट। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से आप ट्रिम कर पाएंगे अपने बालों को अगर आप मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बाय द वे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपने बालों को ट्रिम करना चाहते हैं, बियर्ड को ट्रिम करना चाहते हैं, नोज हेयर को रिमूव करना चाहते हैं, सभी के लिए ये ट्रिमर आप चाहो तो ले सकते हैं। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, अगर आप हमारे लिंक से लेते हैं तो ट्रिमर आपको मिलेगी सबसे सस्ते दाम में। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को भी हो जाएगी। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते जाते घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।